नमस्ते फ्रेंड्स, मैं उज्ज्वला महाजन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी क्लासी रसोई में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज गणपति बप्पा हमारे घर आने वाले हैं, उसी के उपलक्ष्य में मैं आज मोदक केक बना रही हूँ। तो प्लीज़ देखिएगा, ये मैंने स्पॉन्ज लिया है चॉकलेट फ्लेवर का। इसकी हम 3 लेयर कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी जाली आई है। फ्रेंड्स, केक स्पॉन्ज शो करने के लिए हम इसमें चॉकलेट फ्लेवर डालते हैं, 2 से 3 ड्रॉप बस। यदि आप चाहें तो शुगर भी मिक्स कर सकते हैं पानी में, पर ज़्यादा मीठा लगता है तो मैं नहीं मिक्स करती हूँ, प्लेन पानी से ही शो करती हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें चॉकलेट गनाश भी मिला सकते हैं और क्रश भी मिला सकते हैं, पर मैं आज सादा ही बना रही हूँ। फ्रेंड्स, सोकिंग बहुत अच्छे से कीजिए। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं चॉको चिप्स डाल रही हूँ। आप यहाँ पे गनाश भी डाल सकते हैं, पर जैसा कि मैंने बताया, मैं आज गनाश यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब हम इसमें फिर चॉको चिप्स डालेंगे। फ्रेंड, साथ के साथ इसकी क्रम कोटिंग करते चलेंगे ताकि आगे क्रम्स ज़्यादा निकले नहीं और ना ही कोई दिक्कत आए। फ्रेंड्स, अब हम इस पर अगली लेयर रख रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसी लेयर मोटी होती है ना, तो हम इसको थोड़ा सा दोनों साइड से ही शोक कर सकते हैं ताकि दोनों साइड अच्छा हो जाए। हल्का सा करेंगे। अब इसको फ्लिप करके ऐसे रख देंगे। अब इसको ऊपर से शोक कर देंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, हम मोदक बना रहे हैं, मोदक केक, इसलिए मैंने ये डोम शेप वाली लेयर हटाई नहीं है, थोड़ी ही हटाई है ताकि शेप मैनेज रहे। फ्रेंड्स, देखिए शेप धीरे धीरे आ रहा है।
देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक सॉफ्ट स्क्रैपर लेंगे और इसको धीरे धीरे शेप देंगे, थोड़ा सा कर्व करेंगे और इसको शेप में लाएंगे। देखिए फ्रेंड, शेप आता जा रहा है। अभी तो फ्रेंड्स हम इसकी क्रम कोटिंग करके थोड़ा 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे, ताकि इसके क्रम सेट हो जाए, वरना ये फिनिशिंग में दिक्कत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 15 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रखा था, ये सेट हो गया है। अब हम इसकी फाइनलाइजिंग करते हैं। फ्रेंड्स, इस पर ऐसे ही धीरे धीरे आइसिंग कीजिए, फिनिशिंग आती जाएगी। जैसे जैसे हम करते जाएंगे धीरे धीरे, वैसे वैसे फिनिशिंग आती जाएगी। जब तक फिनिशिंग नहीं आए, तब तक आप करते रहिए, फिनिशिंग आएगी। उसको इस तरह से ऊपर से डोम शेप दीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको आगे की वीडियो भी मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते। अब हम यहाँ पे दूसरी लेयर रखेंगे। उसी तरह से अब हम इसको भी शो करेंगे। फ्रेंड, सोक करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे स्पॉन्ज सॉफ्ट रहता है। हाँ, आपका स्पॉन्ज सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, तो कम सोक कीजिए। सॉगी बिल्कुल भी नहीं लगता है,